ठीक है, व्यक्ति भागवत के मुख से ही ग्रंथ भागवत को श्रवण किया जाता है, दोनों का ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति भागवत के बारे में सुनना या ग्रंथ भागवत के बारे में सुनना। तो ठीक है, पहले रघुनंदन, क्योंकि आप लोग की इच्छा है कि पहले व्यक्ति भागवत के बारे में सुनने का, तो पहले रघुनंदन ठाकुर के बारे में और बंशीदास में संक्षेप में 15 मिनट में इसको कंप्लीट करूँगा, फिर भागवत क्लास है। हरे कृष्ण। तो ये दोनों की आज तिरुभाव तिथि है, आविर्भाव और तिरुभाव वैष्णव दोनों की कोई उसमें कोई अंतर नहीं होता है। हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो ऐसे सोचता है कि ही रिजनशील हु थिंग्स दैट वैष्णव मस्ट डाई, वो प्रकृति में गलत सोचता है जो कहता है कि वैष्णव की मृत्यु होता है, वैष्णव की कोई मृत्यु नहीं होता है। हैं, वैष्णव मर कर भी अमर रहते हैं, जब तक धरा पर वो विराजमान रहते हैं तो हरिनाम की प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं, हैं? संकीर्तन आंदोलन की सेवा में लगे रहते हैं, और जब उन्होंने नित्य लड़ में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर भगवान की नित्य सेवा में जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि सर क्या कहते हैं, अभी सुने अब विरह गीत, पाषाणे कुटिव माथा अनळे पशिव, हैं, गौरांग गुणेर निधि कुथाय गेले पाव, कहाँ कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ, हैं, ब्रजन जो गौर पार्श्व गौर के गौरांग के भक्तगण को मैं कहाँ प्राप्त करूँगा। क्योंकि रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रश्न पूछा था, दुख मध्य कौनो दुख है गुरुतर, तो रामानंद राय ने ही कहे थे वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं। और जब हम किसी महान वैष्णव आचार्य से बिछुड़ जाते हैं, जो उनकी तिरुभाव हो जाता है, तो उससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं है। तो इसलिए वैष्णव की तिरुभाव दुख के भी कारण है और आनंद का भी कारण है, क्योंकि वो नित्य लय में प्रवेश करते हैं, नित्य सेवा में जुड़ जाते हैं, इसलिए उनके लिए तो ये आनंद की दिवस है। लेकिन हम जो इनके संग को खो बैठते हैं, हमारे लिए थोड़ा दुख प्रतीत होता है। रघुनंदन ठाकुर महान भक्त थे, ये मुकुंद दास के पुत्र थे, शिखंडवासी, खंडवासी, शिखंड कितने लोग गए हो, काटुआ जो आज चैतन्य महापुरुष संन्यास लिए थे उसके ठीक दो ढाई किलोमीटर आगे एक गांव आता, उसका नाम शिखंड, उसके खंडवासी, ये हमारे इसमें बहुत प्रसिद्ध वैष्णव रहते थे। मुकुंद दास नरहरि श्री रघुनंदन खंडवासी चिरंजीव आर सुलोचन, ये चैतन्य चैतन्य की मध्यलीला में 11वें चैप्टर में इसके सब वर्णन है, विशेष रूप में खंडवासियों की कथा। ये खंडवासी में प्रसिद्ध भक्त रहते थे, मुकुंद दास नरहरि रघुनंदन और चिरंजीव सुलोचन, ये बहुत चैतन्य महाप्रभु विशेष पार्षद हैं। तो ये जो रघुनंदन जो थे मुकुंद दास के पुत्र थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला में 3 मुकुंद आते हैं, हैं, कई मुकुंद आते हैं, मुकुंद दत्त के नाम सुने हो, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, संजय आप गाते हो संध्या आरती में, ये मुकुंद जो गाने वाला है इनके नाम है मुकुंद दत्त, हैं, ये मुकुंद दत्त बड़े प्रसिद्ध गायक है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में, जिनकी गायन जो गाते थे तो महाप्रभु इतनी प्रसन्न होते थे वो स्वयं नृत्य करना लगते थे, मुकुंद दत्त। और एक मुकुंद ओझा हड़ाई पंडित के दूसरे नाम है, चैतन्य नित्यानंद प्रभु के पिताजी के दूसरे नाम भी क्या मुकुंद है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक शिष्य थे, उनका नाम भी क्या मुकुंद कविराज। इसलिए ये जो है मुकुंद दास, ये रघुनंदन के पिताजी थे, वैद्य थे, राज वैद्य थे, राजा के दरबार में वैद्य के काम करते थे, राज वैद्य। लेकिन ये भी महान भक्त थे, इनको तो कहा जाता है कि वृंदा देवी के अवतार थे, जैसे गौरवण दीपिका के आधार पर। लेकिन मुकुंद दास के बारे में कहूँगा तो फिर और दूसरा क्लास हो जाएगा, तो इसलिए मुकुंद दास के बारे में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उन्हीं के पुत्र थे, मुकुंद दास के पुत्र थे रघुनंदन। एक बार ये दोनों बाप और बेटे रथ यात्रा के समय में अन्य भक्तों के साथ में
पुरी में पधारे थे। दोनों एक साथ में गए, मुकुंद दास और उनकी पुत्र रघुनंदन, जाके महाप्रभु को प्रणाम किए। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए मुकुंद की तरफ देखे, मुकुंद आप दोनों में बाप कौन है बेटा कौन है पूछे हैं। तो महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने पूछे, जब मुस्कुरा हंस रहे थे तो मुकुंद ने सोचा कि अरे महाप्रभु तो पता है कि मेरा बेटा है कौन, रघुनंदन, फिर क्यों पूछ रहे। क्योंकि तो महाप्रभु के पूछने का उद्देश्य को समझकर फिर मुकुंद दास ने कहे कि नहीं महाप्रभु, ये रघुनंदन मेरा बाप है, मैं इसके बेटा हूँ। तो महाप्रभु ने कहे कि तुम सही बोला, जहाँ होते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। जिसने कृष्ण भक्ति पहले प्रारंभ की है बा कृष्ण भक्ति में जो सफलता प्राप्त की वो प्रकृत में पूरे घर के बाप वही गुरु बनता है। क्योंकि जिस जहाँ होते कृष्ण भक्ति है सही गुरु है। तो इसलिए महाप्रभु जो रघुनंदन ने रघुनंदन ठाकुर के महिमा को स्वयं महाप्रभु भी भक्तों के सामने कभी कभी वर्णन करते थे कि रघुनंदन बचपन से ही भक्त थे। जो बचपन से ही उन्होंने हाथ से क्या खिलाया, जिसके हाथ से लड्डू स्वयं भगवान ने खाया, ऐसा नहीं कि रख दिया और आप चला गया ऐसे उठा के ले आया, फिर नहीं, भगवान को खाना पड़ा, हाथ से लेकर लड्डू को खाना पड़ा, आधा लड्डू था तो उसको फिर भगवान ने खाए इसको। 5 साल की उम्र में जब थे ये रघुनंदन, तो उनके घर के जो विग्रह थे उनके नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ के पास में डेली लड्डू का भोग लगता था हैं? लेकिन ये पूरा साक्षात आप घर में कोई इनको विग्रह समझे बा कोई मूर्ति समझे कुछ समझे, लेकिन रघुनंदन बच्चे छोटे से ही इनको क्या समझते थे, ये साक्षात भगवान समझते थे हैं। क्यों, रघुनंदन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कृष्ण लीला में भी ये प्रद्युम्न थे हैं। बृहस्तु तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखा अभवत हैं, ये चतुर्भुज में जो प्रद्युम्न आते हैं वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न, कोई के गौर गणदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ठाकुर कहते कि ये प्रकृत में चतुर्भुज ने जो चतुर्भुज में ये प्रद्युम्न थे और ये प्रिय नर्म सखा के रूप में ब्रजलीला में भी अवतीर्ण हुए थे। इसलिए भगवान के नित्य परिकर है एकादशी चैतन्य अद्वैत अभिर्न तनु स्वयव रघुनंदन। ये चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैताचार्य दोनों की मिलित अवतार इनके अभिर्न तनु माने जाते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, हम जैसे बद्धजीव नहीं थे। इसलिए आप भी कहोगे हम लड्डू खिलाएंगे भगवान खाएंगे, जब तक नहीं खाएंगे फास्टिंग रहूँगा, हो सकता है रघुनंदन जिद ही पकड़ लिए लड्डू, क्योंकि पिताजी ने किसी कार्यवश उनको राजदरबार में जाना पड़ा, वैद्य थे, तो उन्होंने कहे कि गए कि देखो रघु मैं जा रहा हूँ तो राजकार्य में बादशाह ने खबर भेजा हुसैन शाह, तो आप आज गोपीनाथ को क्या खिला देना, लड्डू खिला देना। लेकिन अब गोपीनाथ को तो लड्डू लेके गए जो अल्टर में माँ ने बना दी पूरा शुद्ध घी में, अंदर में गई लड्डू लेकर पर्दा डाल दिए, पट्टा डाल के बस प्लेट में लड्डू रख के बोले कि आँख बस को तो मंत्र मंत्र को जानते नहीं थे, आँख बन बैठ गए, बोले भगवान लड्डू खाओ, मेरे माँ ने लड्डू बना के रखा और ये लड्डू ने पूरा शुद्ध भाव से बनाया हुआ, उसमें कोई हम लोग कोई नहीं खाया उसको, आपके लिए बनाया लड्डू खाओ हैं, उसमें कोई ने किसी ने झूठन नहीं किए, बड़े शुद्ध पात्र में बनाया हुआ शुद्ध घी में और आप खाओ। तब इसके बाद आँख बनकर बैठ गए, आँख बनकर बैठ के थोड़ा सा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कहे तीन में, फिर आँख खुल के देखे लड्डू तो ऐसा ही है। फिर वो फिर बोले क्यों नहीं खा रहे हो भगवान, क्यों नहीं खा रहे लड्डू तो बहुत, मैं बोला ना हम लोग कोई नहीं खाए, झूठा नहीं किया हुआ, शुद्ध भाव से बनाया हुआ मेरे माँ ने बनाई और मेरे पिताजी आज नहीं है, गए बाजार ने ऑफिस में गए और राजदरबार में, तो आप कृपा करके खा लीजिए। फिर आँख बंद करी बैठ गए, फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर खोले दाँत फिर ऐसे रखा हो। तो बस वो गया पर वो दिन उन पिताजी शाम तक आए, लेकिन कहा जाता कि वो ऐसे बैठे रहे दिन भर, वो खाए ना कहते, उन्हें माँ समझाने कुछ नहीं, रोने लगे, तो तीसरी बार देखे कि भगवान खाए ना तो रुट गए पूरा गुस्से होकर, पर पूरा जो झूली में
क्यों नहीं खा रहे भगवान, क्यों नहीं खा रहे, खाओ खाओ बस, तो नहीं शुरू कर हैं। इतना रोना शुरू किया तो हैं, फिर भगवान को आसन से उतर कर खाना पड़ा हैं, से उतर कर लड्डू खाए, लड्डू खा ले तो बस शाम को बड़ा आनंद में खुश होकर प्लेट लेके बाहर आ गए। तो माता जी कहे क्या हुआ, प्रसाद कहाँ है? बोला प्रसाद क्या, भगवान खा लिए लड्डू। भगवान कैसे प्रसाद खाए, तो तुम्हारे बापा पिताजी कितना दिन उसे लगा रहे हैं, वो कोई नहीं खा है, तुम खा लिया भूख, अब यहाँ तो खाया नहीं, दिन भर का रो रहा था और अभी खा लिया, लग रहा है कि तुम लड्डू खा लिया है, क्या हुआ लड्डू, भगवान खा लिए। पिताजी भी आए शाम को, बोले कि भाई कुछ महाप्रसाद है लगाए थे लाओ। बोले महाप्रसाद क्या है, इसको तुम्हारा बेटा को पूछो, इसको बताया था भोग लगाने, बोल रहा है कि सब भगवान खा लिए। फिर दूसरा दिन में वो देखने के लिए उन्होंने अभिनय किया, कौन मुकुंद दर्शन, बोले कि आज भी बोलो उसको, मेरे ऑफिस में चला गया है, और आज भी दो इसको लड्डू भोग लगाने। और दूसरा दिन फिर लड्डू ऐसे ही लेके गया, और फिर अब भगवान को ऐसे जैसे पहला दिन किया था ऐसे ही करने लगा, आँख बंद करके कि लड्डू खाओ भगवान, शुद्ध भाव से, शुद्ध घी से हैं बनाया गया है, कोई खाया नहीं है, जूठन नहीं किया है, खाइए, काल खाए थे आज भी खाइए, हैं ऐसा कह के बैठा। अब भगवान खाते नहीं तो फिर ऐसे ही उठ के जमीन में गड़ागड़ी देने लगे, धूलि दूषरित हो गए, फिर रो रहे थे। तो पिताजी देख रहे थे कि पर्दा के छुप के, तो भगवान बाध्य फिर उतरे सिंहासन से, उतर कर लड्डू लेकर जब खाने लगे हैं, पिताजी ने देख रहे तो सामने आ गए, अब पिताजी आते ही खाना बंद हो गया, आधा खाए थे लड्डू, वो विग्रह पहले थे, आधा लड्डू खाए हुए भगवान, लेकिन आज वो विग्रह कहीं कहते कोई चोरी कर लिया, कोई वो जगह में दूसरे विग्रह रखे, लेकिन वो विग्रह अभी नहीं, जिस विग्रह ने खाए थे लड्डू गोपीनाथ की विग्रह, वो विग्रह अभी उस स्थान पर शिखंड में नहीं है, लेकिन दूसरे विग्रह उनके स्थान पर रखे। तो इसलिए ऐसे ही भक्त थे कि 5 साल उम्र में भगवान को साक्षात रूप में भोजन कराए, भगवान ने खाए उनके हाथ से लड्डू हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहे कि जहाँ होते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। जब इन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में आ गए तो उनकी घर के सामने एक तालाब था, तालाब के किनारे एक कदम की पेड़ था, तो उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर पिताजी से गौरांग महाप्रभु के बारे में सब सुने थे, श्रवण कर रहे थे, पिताजी कभी कभी बैठा करें उनको शाम को गौरांग महाप्रभु के गुणगान करते थे। तो वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने गौरांग महाप्रभु के नाम से 8 श्लोक लिखे हैं, गौर भावना अमृत हैं श्लोक कहते, गौर भावना अमृत गौरांग महाप्रभु की कीर्तियों को वर्णन करते हुए 8 श्लोक उन्होंने रचना कर लिया है, गाते थे, और प्रत्येक दिन उस कदम वृक्ष के नीचे बैठकर गाते थे। कुछ दिन जाने के बाद वो कदम वृक्ष ने इनको स्वप्न में एक व्यक्ति के रूप में, पार्षद रूप में, गौरव पार्षद के रूप में दर्शन दिया, कहा कि रघुनंदन में तुम्हारे भजन में बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे गोपीनाथ की सेवा के लिए प्रत्येक दिन मैं 2 कदम्ब फूल भेजूंगा, मेरे वृक्ष से तुम आओगे हर दिन 2 कदम्ब फूल मुझे मिलेगा, नहीं तुमको मिलेगा 2 कदम्ब फूल 12 महीने, जब तक तुम इस धरा पर रहोगे मैं वृक्ष से तुझे 2 कदम्ब का फूल मिलेगा, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, सर्दी हो। कहा जाता है कि जब तक रघुनंदन ठाकुर थे वो कदम वृक्ष से 2 कदम फूल मिलता था, और उनको लाकर उन्हें गोपीनाथ को चढ़ाते थे। और ये इनकी जन्म हुआ था बसंत पंचमी में, और तिरुभाव आज श्रावण शुक्ल चतुर्थी चतुर्थी है आज। और इन्होंने रघुनंदन एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनके नाम था अभिराम ठाकुर, अभिराम ठाकुर श्रीराम के अवतार थे श्री, और उन्होंने जाके जब भी किसी विग्रहों को प्रणाम करते थे, विग्रह यदि सही रूप से इनको प्रतिष्ठित नहीं किया गया तो विग्रह क्या होते थे, चुर चुर हो जाते थे, तुरंत वो विग्रह फट के वहीं गिर जाते थे। यदि इन्होंने कि पत्थर को सालग्राम सोचकर प्रणाम किया, यदि सालग्राम नहीं होगा तो वो पत्थर भी चूर चूर हो जाता था, क्योंकि श्रीराम कृष्णलाला में राधा रानी के बड़े भाई थे, अब भगवान श्री कृष्ण के ही अष्ट सखाओं में से एक थे, अष्टगोपाल में से, ये जीवतत्व में नहीं थे, भगवान के स्वयं विस्तार माने जाते थे, भगवान के स्वयं डायरेक्ट विस्तार है। तो इसलिए ये परीक्षा करते थे, जब इनको जो पता लगा कि
ये श्रीखंड में एक महान भक्त का जन्म हुआ है, कौन? रघुनंदन, मुकुंद के पुत्र। तो उन्होंने भी आए प्रणाम, इनको परीक्षा करने के लिए, भक्त है कि नहीं है, कैसे हैं, कैसे भक्त है, मैं प्रणाम करके देखूँ। ये नित्यानंद प्रभु के ऐसे ही सारे संतान को प्रणाम कर करके सबको समाप्त कर दिए थे हैं। जो नित्यानंद प्रभु के वसुधा के गर्भ से कोई संतान होता था, जाकर प्रणाम करते ही वो बच्चा पा कर ही बस समाप्त हो जाता था, क्योंकि इनकी प्रणाम को स्वीकार करने के लिए सब समर्थ नहीं होते थे। ये महान भक्त थे, भगवान का ही स्वरूप शक्ति थे, तो इसलिए इन्होंने जब वहाँ जाकर प्रणाम, नित्यानंद प्रभु के ऐसे ही कई संतान को, 7 या 8 संतान को समाप्त कर दिए थे। बाद में बीरचंद्र प्रभु जब आए, उनको प्रणाम करने पर भी वो खिलखिल के हंसने लगे, तो वो समझ गए कि ये विष्णु तत्व में है। इसलिए बीरचंद्र प्रभु कहा जाता है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार माने जाते हैं। चलिए, रघुनंदन को प्रणाम करने के लिए जब आए, उनके पिताजी बड़ा डर गए, कौन? मुकुंद। बोले क्या होगा मेरे बेटा को अभी पता नहीं, तो उन्होंने छुपाने के लिए, रघु बोले कि रघु तुम छुप जाओ घर में, छुपाने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन ये तो छोटे बच्चे थे, 5 साल जब वो आए अभिराम ठाकुर, उनके पिताजी ने छुपाना चाह, ने बोल दिए थे रूम के अंदर रहने, लेकिन वो जब आके बात कर रहे थे पिताजी के साथ, वो कहते थे नहीं, ये रघुनंदन तो अभी कहीं बाहर चला गया, स्कूल में चला, कहाँ गया, अभी घर में नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। बोल रहे थे वो हंस हंस के वहाँ से घूम के सामने ही आ गए। आ गए इनको देख कर, छोटे धूली धूसरी थे, पूरा खेलते थे, कहीं आ गए। अब प्रणाम तुरंत ही वो अभिराम ठाकुर इनको प्रणाम किए, लेकिन अभिराम ठाकुर प्रणाम करने पर उनका कोई हानि नहीं हुआ, बोले तो और हंसने लगे, हंसते खिलखिल के हंस रहे थे। उनके पिताजी इनको तुरंत उठा लिया अपने गोद में, लेकिन तो अब से समझ गए ये रघुनंदन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये भी जैसे कहा जाता है कि बृहस्तु तृतीय प्रद्युम्न अभवत, ये प्रद्युम्न के अवतार थे, इसलिए इनका कोई हानि नहीं हुआ। जब भी महाप्रभु संकीर्तन को प्रारंभ करते थे, उनके गांव में जाते थे, श्रीखंड बहुत प्रसिद्ध जगह है, संकीर्तन के लिए बड़े प्रसिद्ध है, ये सब प्रसिद्ध पार्षद वहाँ पर रहते थे। और वो जब संकीर्तन प्रारंभ होता था, महाप्रभु ने सबसे पहले रघुनंदन को बुलाते थे, रघुनंदन तुम जाओ सबको माला चंदन पहनाओ, हैं, इनको अधिकार देते थे सबको माला पहनाना, चंदन पहनाना। और जब कोई 24 प्रहर कीर्तन होता था, दिन रात कीर्तन चल रहा, अंत में उस समय प्रथा था कि जो दही का भांड, दही है, दही का भांड को तोड़ा जाता था, दही और हल्दी, तो उसका भी अधिकार इसी को मिलता था, किसको? रघुनंदन को मिलता था। रघुनंदन गौरांग महाप्रभु बहुत प्रिय थे, और इन्होंने ही श्रीनिवास आचार्य को भविष्यवाणी की कहा था कि श्रीनिवास तुम्हारे प्रति गौरांग महाप्रभु ने विशेष कृपा की है, तुम गौरांग के शक्त्यावेश स्वरूप हो, गौरांग महाप्रभु शक्ति से तुम शक्तिमान हो, इसीलिए तुमने संपूर्ण, तुमने भविष्य में जाकर जीव गोस्वामी से भागवत की शिक्षा करके पूरा दुनिया में भागवत के प्रचार करोगे, ऐसा ही उन्होंने ही भविष्यवाणी करके श्रीनिवास ठाकुर को कहे थे। और कई कथा है, लेकिन मेरे को टाइम के अनुसार अब अलग प्रश्न हो गया, तो इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि है। इसके यदि मैं केवल विस्तार से कहूँगा ये पूरा क्लास चला जाएगा, तब ये तिरुभाव तिथि आज उनकी है, श्रावण शुक्ल चतुर्थी में ये नित्य लड़ा में प्रवेश किए हैं। 3 दिन 3 रात उन्होंने कंटिन्यूअस कीर्तन करते 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 बैठकर कीर्तन करते थे, उनके सब लोग घेर के बैठे थे, सभी कीर्तन करते करते कीर्तन के बीच में ही अंतर ध्यान हुए, शरीर त्याग। तो इसलिए कोई कहते कि शरीर नहीं त्यागे, अंतर ध्यान हुए, लेकिन पता ही नहीं, लेकिन कहा था 3 दिन 3 रात उन्होंने कीर्तन करते करते ही शरीर छोके उन्होंने नित्यलड़ा में प्रवेश किए। आज बंशीदास बाबा जी का भी तिरुभाव तिथि है। बंशीदास बाबा जी एक अवधूत है, अवधूत क्या जानते? उन्होंने कभी जिंदगी भर कभी बाल और दाढ़ी व नाखून काटे नहीं थे, पूरे लाइफ जो है, जब कभी उन्होंने जब से छोड़े, और कोई इनको देखने के कोई देखा भी नहीं कि गंगा में व किसी नदी में कभी स्नान करते हुए हैं, ये इनकी विशेषता था, वो कभी स्नान ही नहीं करते थे हैं, कि कभी उनको कोई देखा नहीं कोई दांतुन करते हुए व कोई ऐसे कूड़ा करते हुए, कभी स्नान करते हुए, कभी नाखून काटे, पूरे जिंदगी भर ऐसा ही
और उनके पहनने का वस्त्र क्या था, एक ही कौपिन, कौपिन केवल पहन के रहते थे, बहिर्वास नहीं, बहिर्वास यूज नहीं करते, बहिर्वास का बहिरंग फिर माया में जाएगा वो केवल कौपिन पहन के रहते थे, 7 फुट के ऊंचे थे, 7 फुट के ऊंचे थे, लेकिन ऐसे ही कौपिन पहन के रहते थे। यदि वो इन्हें स्नान नहीं करते थे लेकिन इनके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आता था, शरीर से एक अद्भुत सुगंध सदा महकता था उनके आसपास में। इसी से ही जो पता लगता कि एक महापुरुष है, इनको स्नान करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा कोई स्नान न करी कोई रह सकता है। वो पूरे गंगा के किनारे रहते थे लेकिन गंगा में कभी स्नान करते इनको कोई देखा नहीं। लेकिन ऐसे ही एक तो मछुआरा परिवार में जन्म लिए थे, बांग्लादेश की मजीदपुर गांव है, वहाँ से एक संत थे नरोत्तम दास बाबा जी, जो कि नरोत्तम दास की परंपरा से आ रहे थे, उनको उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया था बचपन से। जदि मछुआरा परिवार में थे लेकिन उनको घर कार्य में उस पर रुचि नहीं था, बाध्य होकर पिताजी के साथ जाना पड़ता था, दिन में कहीं नदी में मछुआरा का काम करने के लिए मछली पकड़ने के लिए जाते थे, लेकिन आते ही तुरंत घर में खाना पीना नहीं, सीधे भाग जाते थे वो बाबा जी के पास से, नरोत्तम दास बाबा जी थे उनके पास जाते थे। इन्होंने उनके नाम रखा था बंशीदास, इनके घर के था घर के नाम तो भैरव भैरव रखे थे, लेकिन इन्होंने गुरु ने इनके नाम दिया था बंशीदास। आस्ते आस्ते उन्होंने घर बार छोड़ के नवद्वीप पहुँच गए, और नवद्वीप पहुँच गए तो इनकी केवल विशेषता था कि इनके विग्रह, इनके पास में 3 विग्रह रहते, 3 सेट के, गौर गदाधर और उनके साथ नित्यानंद, गौर गदाधर नित्यानंद तीनों को रखते थे, और राधा गोविंद जी रहते थे, और 3रे विग्रह उनके पास गोपाल, लेकिन इनके सबसे प्रिय थे कौन, गोपाल, ये वात्सल्य रस की मूर्तिमंत हैं अवतार थे, एक वात्सल्य में रहते थे हमेशा, वो गोपाल को अपने हाथ में लेके बैठते थे कहीं भी जाए बैठते थे। इनकी ये विशेषता कि 3 दिन 4 दिन कभी 6 दिन 7 दिन वो गोपाल के साथ बात करते रहते थे, ना खाना ना पीना ना सोना ना कुछ हैं, गोपाल को लगे बस गोपाल के साथ बात करते रहेंगे, दिन रात चले जाता कभी उनको पता नहीं, खाते नहीं थे कभी 6-7 दिन में कभी एक बार, कोई स्वयं कुकिंग करेंगे, खिचड़ी थोड़ा बनाएंगे और गोपाल को भोग लगा के फिर खाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। तो इसलिए इनके ही अद्भुत गुण के कारण ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भजन गाते थे नित्य, उनके सबसे प्रिय भजन था निताय पद कमल कोटिचंद्र सुशीतल है, जे छाया जगत जुड़ाए, हे न निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाईते नाय, इनका प्रिय भजन, कई भजन गाते थे, जानते थे नरोत्तम दास के भजन सब गाते थे। और विशेष में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने बाबाजियों को कभी सम्मान नहीं, बाबाजियों को सहजिया को कभी सम्मान नहीं करते थे, लेकिन बंशीदास बाबाजी महाराज के प्रति इनके बहुत सम्मान था हैं, इनको 1900 इन्होंने जाते थे उनको मिलने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये स्वयं जाते थे इनको मिलने के लिए। आज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई जाते थे वो उनकी बाह्य स्वरूप को नहीं, शरीर को नहीं देखते थे, से कहते कि अरे यह मंजरी आया है, एक मंजरी आ रहा है, इसके पीछे राधा भी आता होगा ऐसा ही बोलते थे, पूरे भाव में रहते थे। भक्तियां सरस्वती ठाकुर को देखते तो बड़ा खुश होते थे, बोलते अरे नयना मंजरी आया है, वो राधा भी आता होगा ऐसे पीछे पीछे ऐसे बोलते थे। तो इस बड़े सब हाव दूर से इनको दर्शन करते, हाथ जोड़ के दर्शन करते थे, हमारे शिष्यों को बोलते थे कोई मजाक नहीं करना, कुछ हंसना नहीं, कोई बात नहीं करना, बहुत सीरियस रहते थे। जो कोई वस्तु देखते थे कृष्ण के साथ संबंधित देखते थे, कोई भी वस्तु उन्होंने देखा तो उसको कृष्ण के साथ संबंधित करके देखते थे, ये इनकी विशेषता था। एक बार वहाँ नदी में गंगा में स्नान करते थे, उन्हें बाबा जी महाराज गंगा किनारे बैठा रहते थे, उस समय ब्रिटिश का शासन था, और सो यंग लड़कियाँ सब आए थे स्नान करने, सो आते थे ब्रिटिश लोग क्या कर, ये जो सिपाही लोग होते कभी कभी बलात्कार में किसी लड़की को उठा के ले चले जाते हैं ब्रिटिश लोग, ऐसे तोड़ता। तो इस समय एक नवा आया तो लड़के लोग स्नान कर रहे थे, वो लोग आगे बोला कि वो कुछ कमेंट करने लगे, स्त्रियों मैंने कुछ गलत बोलने लगा, आके उनको कुछ पकड़ना चाहता था, तो वो लोग ने बोले बाबा जी महाराज बाबा हम, और तो कोई था नहीं, और वो लोग हंस रहे थे बाबा क्या करेगा बैठा ना, ये तो नंगा बाबा बैठा इधर है सब उधर, लेकिन बाबा जी महाराज ने कहे ऐसे माताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं हैं, ये लोग और हंसने लगे, हंसने लगे तो बोले कि जैसे खड़े हो ऐसा ही खड़े रह जाओ,
इतने ही बोल दिए, खड़े हुए स्टैचू की तरफ, न हिलते ना डुलते ना कोई हाथ कोई है, तो समझ गए बाबा की शक्ति है। तुरंत ही मन से मन क्षमा मांगे तो बोले जाओ, चले जाओ, कभी नहीं आना, माताओं की ऐसे व्यवहार नहीं करना, चले। कई अद्भुत कहानी, कई उनके गुण होने के कारण उनको कहा जाता है। इसको बड़े बड़े महान भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे सहज बा भक्ति हंसराज ठाकुर ऐसे कोई सहजिया को नहीं मानने वाले हैं, लेकिन इन्होंने एक बार जन्माष्टमी के टाइम में उनकी इच्छा हुआ, पिछले जन्माष्टमी में इसको ताल दिया, ताल का भोग लगाया था, कहीं ताल इस पर कि इस अरे गोपाल तुझे ये जन्माष्टमी का ला रहा ना, तुझे आम खिलाऊंगा। बड़ी बोल रहे आम खिलाऊंगा, चिंता मत करो, आम खिलाऊंगा ये जन्माष्टमी। भैया आम कहाँ से आएगा, तो बड़ा वो, लेकिन सत को सत उड़ीसा में थे, बालेश्वर में वो जा रहे थे, पूरी पूरी से रिटर्न आ रहे थे, तो सत को सत एक हेडमास्टर वो हाँ स्कूल का हेडमास्टर था, हाँ जोगेश्वर बाबा टीचर के नाम था, तो उन्होंने पहला दिन रात को उसको सपने में आया, सपने में किसी ब्राह्मण किसी एक अद्भुत व्यक्ति ने आकर कहा कि देखो यहाँ के सिद्ध महात्मा आए पधारे हैं, तुम्हारे रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं पेड़ के नीचे, तुमने काल उन्होंने अपने गोपाल को आम खिलाना चाहते, तुम आम खरीदे के लेके पहुँचाना सुबह सुबह, इसलिए उन्होंने सुबह सुबह उठकर उस सपने के आधार पर आम बाजार से खरीद के लेके आए। देखे कि बाबा बैठी हुई है, देखने से कोई पहचान जाता, बड़े बड़े बाल रहता था हैं, कभी बाल काटे नहीं, कभी दाढ़ी काटे नहीं, कभी नाखून भी नहीं काटे थे, कभी स्नान भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर से दिव्य गंध हैं फैलता था। तो उन्होंने आम लेके दिया, तो बोले देखा ना गोपाल आम आ गया हैं, खिलाऊंगा आम तुझे। उनके बाहर रूप में कुछ चिंतन नहीं रहता था। एक दिन खीर बनाए, बोले ठीक है आम खाया, थोड़ा खीर बनाता हूँ, खीर रेडी कर दिए दूध में बनाकर, लेकिन हठात खीर को लाते थे भोग लगाने के लिए लेके जा रहे थे, गोपाल समझते कि उठा के फेंक दिए, बोले तेरे लिए मैं खीर बनाया इधर, तूने राधा रमण मंदिर में खा लिया खीर हैं, वहाँ ताल गुड़ पका के ताल का गुड़ डालकर अच्छा से स्वादिष्ट बनाए वहाँ खा लिया, तो मैं क्यों तुम्हारे को तुमको खिलाऊंगा, फेंक दिए सारे। तो सब लोग देख रहे थे, पूरा डेट सब टाइम सब देव सब लिख कर लेके आए राधा रमण मंदिर में, वो सत घटना पर सत्य था। उसी दिन राधा रमण मंदिर में भोग लगा था, ताल गुड़ के खीर बन के सॉरी खजूर गुड़ के खीर बनाकर खिलाए थे। जैसे कई घटना उनके जीवन में जिस कारण इनको एक परमहंस बाबा जी मानते, जिसको प्रभुपाद जी नहीं मानते थे, भक्ति हमारा वैष्णव कैलेंडर में इसलिए उनके आविर्भाव तिरोभाव लिखा जाता है। ये कभी 7-8 दिन में एक बार खिचड़ी बनाते थे, थोड़ा खाते थे, खुद एक मिट्टी में का बर्तन ले लेंगे बस, और चावल गंगा जल मिला के बस खिचड़ी बना देंगे, थोड़ा साग कुछ बना देंगे बस, उसी को भोग लगा के खाते थे। लेकिन ये इसको खाने के उसी उनकी झूठन को खाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सब समय गौड़ीय मठ से 2 ब्रह्मचारी को रखते थे उनके सेवा, उनके साथ रहते थे, उनका और कोई काम नहीं। कभी बाबाजी महाराज भोजन करेंगे तो उसका जो झूठन बाबाजी महाराज को पार्सल करके भेजेंगे किसके पास, भक्ति यहाँ सरस्वती ठाकुर। कभी कभी उनके पास पहुँचने के लिए 10-15 दिन लग जाता था, क्योंकि वो कहीं ट्रैवलिंग में रहते वो पहुँचता, लेकिन फिर भी बड़े उत्साह के साथ, यदि वो बाबा जी को कभी स्वीकार नहीं करते थे भक्ति यहाँ सरस्वती ठाकुर, लेकिन ये बंसीदास बाबा जी महाराज के झूठन को खाते थे, स्वयं उनके आँख से प्रेम अश्रु हाँ आ जाता था जब उनके बाबा जी महाराज के झूठन को खाते थे। तो इसीलिए बंसीदास बाबा जी महाराज की कई कहानियाँ हैं उनके चरित्र में हम सुनेंगे, लेकिन इसको जो उनको भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी ने मान्यता दिए हैं, तो निश्चित रूप में एक महान परमहंस संत थे। कभी कभी गौड़ीय मठ के लोग लेके जाते थे कुछ, प्रत्येक दिन उनके लिए चावल और थोड़ा जाला लकड़ी लेके जाते थे कि वो कुकिंग करी खाएंगे, चावल और कुछ सब्जियाँ दाल सो लेके जाते, कभी कभी स्वीकार कर लेंगे ठीक है भोग लगाएंगे ना कुकिंग करके, फिर अपने को डेटी के भोग लगाते थे और जो भक्त जाते थे उनको देते थे थोड़ा थोड़ा हाँ, लेकिन कभी कभी उठा के सारे फेंक देंगे गंगा में, कहीं क्या सोच रहा है हैं, ये मुझे मेंटेन कर रहा सोच रहा है, डेली भेज रहा है मेरे पास, ये क्या है क्यों भेज रहा है, नहीं खाऊंगा ऐसे फेंक देंगे सर अद्भुत। इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहते थे कि तो शिष्य लोग तो उनके पास जा रहे हो दूर से खड़े रहो सम्मान के साथ, कभी भी कमेंट नहीं करना, बा कभी वो जो कर रहे हैं खाली दूर से देखना, लेकिन नहीं तो तुम्हारे सारे भक्ति नष्ट हो जाएगा, वो उनको तुम समझ नहीं पाओगे हैं।
तो आज उनकी भी तिरोभाव है भक्ति वंशीदास बाबा जी महाराज की। और कितना टाइम रह गया, 15 मिनट भागवत क्लास होगा, हैं? इसी कंटिन्यू कर दूं, हैं? हाँ, तो इसलिए भक्ति नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि नीचे जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुल विप्र नहे भजने अयोग्य। इसलिए ये वंशीदास बाबा जी महाराज के एक साक्षात प्रमाण है कि ये कहते कि नीचे कुल होकर कई कहता कि ये नहीं कि नीचे कुल में जन्म लिया बल्कि भगवान की भजन नहीं कर पाएगा। ये मछुआरा के परिवार में जन्म लिए थे, अंगूठा छपने वाले कुछ लिखा पढ़ा कुछ नहीं सीखे थे, हैं, मछली मारते थे, पिताजी के साथ जाके मछली भी पकड़ते थे, हैं, नदी में, लेकिन उनके उसमें आसक्त नहीं था, न खाते थे मछली, भागते थे सीधा पिताजी को बाध्य करके उनको लेके जाता था, वहाँ से आते थे और सीधे भाग जाते थे। नरोत्तम दास बाबा जी महाराज जो नियोग गांव उनके पास में था वहाँ भाग जाते थे, उनके पास गौर कथा सुनते थे। इसलिए ये नहीं कि कोई सतकुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उच्च परिवार तो वो भक्ति करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कहते थे कि ये कोई गारंटी नहीं कि कोई नीचे कुल में जन्म लिया और वह भक्ति नहीं करेगा, लेकिन ये प्रमाण है, एक वंशीदास बाबा जी महाराज, दूसरे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ब्राह्मण परिवार में थे, हम परंपरा में देखोगे वो अकेले गायत्री करते हुए हैं कि उस समय जन्मों जन्मजात जन्मगत ब्राह्मण गायत्री करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कई फोटो देखोगे गायत्री करते हुए हैं इसे, लेकिन लेकिन ये गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज तथा ये वंशीदास बाबा जी महाराज, ये दोनों ऐसे ही अत्यंत, ये तो सबसे ज़्यादा निश्चित परिवार में थे, मछुआरा के परिवार में थे, मछली पकड़ते थे, लेकिन फिर भी ये महान परमहंस वैष्णव बने। जब पुरी में आए, जगन्नाथपुरी में आए, तो उन्होंने कभी कभी उन्होंने बोट में भी यात्रा करते थे, कभी कभी पैदल में चल के भी जाते थे। जैसे मैं कहा कि वो कितने ऊँचे थे, 7 फुट के ऊँचे थे और बड़े विभत्स दिखते थे, बाल को भी काटे हैं, बाल फल ऐसे कभी तेल ये सब कुछ नहीं लगाते थे शरीर में, हैं, और स्नान भी नहीं करते थे, जो चलते थे तो उसके आँख पूरे सब रेड दिखता था, उसमें लाल लाल दिखता था, हैं, लोग देखने से ही डर जाते दूर से, हैं, लेकिन फिर भी जो लोग इनको जानते हैं फिर दूर से लोग प्रणाम करते थे। इन्होंने जब ये आए एक बार जगन्नाथपुरी में पधारे, ब्रज में भी आए, वृंदावन में भी आए थे, पुरी में जब पहुँचे थे स्वर्गद्वार में, वो वेस्टर्न गेट में रहते थे, पिछले साइड पर से पूर्व गेट सामने वाला सिंह दर्जा कहते, पिछले गेट में वहाँ रहते थे, वहाँ 3 दिन रहे, फिर गुंडीचा टेम्पल के पास में जाकर जो बैनेंट भी है वहाँ रहते थे उसका नीचे। लेकिन वो शिव पूजा करने वाले जो देखे तांत्रिक लोग, सोचे कि यार ये कौन है, ये हमारे दाना पानी में बाधा देगा, ये इधर बैठेगा तो फिर सब लोग दान दक्षिणा इसको ले जाएगा, ये कह इसलिए कह वो लोग त्रिशूल फ्रिशूल लाए कि उन्हें भागाने लाए इसको, वो वंशीदास बाबा जी महाराज भागाने लगे। फिर वहाँ बहुत मुश्किल से गोड़ी मठ के भक्त लोग जानते थे, गोड़ी मठ भक्त लोग भाग भाग के आके बाबा जी से बच तांत्रिकों से बचाए। लेकिन उन्होंने पुरी में फिर वो रास्ता में फिर कहीं भी कहीं से बैठे थे, लेकिन जब जगन्नाथ की रथ यात्रा हुआ, जगन्नाथ का रथ जाकर ठीक उन्हीं के पास में रुक गया, बाबा जी महाराज के पास, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए सब लोग, यहीं रुका रथ घूमने ने, कितने भी जगन्नाथ की रथ वहीं रुक गया, उसको हिलाने छिलाना धक्का लगाने किसी भी हालत से हिलाने हैं, तो रथ वहीं स्टॉप हो गया बाबा जी महाराज। हाँ, तो फिर सब लोग समझ गए, तो बाबा जो पंडित लोग बोले कि ये लग रहा है कि ये संत कोई है, कुछ किया ये रथ तो वहीं रुक गया, हैं, बुलाओ बाबा को। फिर उन्होंने जाके जब जगन्नाथ जी को स्तुति किए, खड़ा होकर दर्शन किए और स्तुति किए, फिर रथ चल दिया। तब से फिर गोड़िया मठ की भक्त लोग सुबह आकर उनके जय जय गान किए, लेकिन खाते नहीं थे, कहीं इनको बुलाएगा खाएंगे नहीं, कोई किसी की निमंत्रण नहीं स्वीकार करते थे, कोई बोला खा खिला देगा ऐसा नहीं। मैं वो तो अपने गोपाल के साथ बात करते रहेंगे, लेकिन 7-8 दिन में जो भी इच्छा होगा, थोड़ा सा खिचड़ी स्वयं बनाएंगे, भोग लगाएंगे, तभी फिर उसमें थोड़ा प्रसाद लेंगे, किसी की कुकिंग नहीं खाते थे। एक दिन गौर निताय का वो एक और दर जो उनके भजन का विशेषता है कि उनकी भजन कुटीर में कभी दर्जा बंद नहीं करते, खुला रहता पूरा, हैं, खुला रहता था, क्योंकि ये 3 तीर खड़े हैं, इनके ये घर ये देखेंगे नहीं, कौन देखेगा, घर ये देखेंगे,
कभी दर्जा बंद नहीं करी कुटिया ने। तो एक बार उन्होंने कुकिंग किया, भक्तिनाथ सर ठाकुर ने गोड़ी मर से ले तो कुकिंग करके तीनों को मैंने उनका गौर नेता को दिए, कटोरी भोग सब कर दे दिए और वहाँ राधा गोविंद को दिए। फिर अपने गोपाल को भोग लगाकर गोपाल को हाथ में लेकर फिर कहीं चले गए घूमने बाहर में उस घूमते। वहाँ से आके देख रहे कि कोई इसका कटोरी उठा के ले गया, किसका गौर नेता के कटोरी उठा के ले गया। कटोरी पीतल की था तो उसको कोई उठा के ले गए। तो आगे कहेंगे तुम दो खड़े हो, तुम अपने कटोरी को स्वयं नहीं संभाल सकते हो, गाली देने लगे उनके हैं। स्वयं का कटोरी स्वयं नहीं संभाल सकते, कटोरी लाओ तो फिर खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर दूसरा दिन कोई ला कर दिया है कटोरी, बोला ये हैं ये कटोरी किसका, ये कटोरी गौर का नीता है, तुमको तुम्हारे कटोरी लेके आना पड़ेगा। कटोरी लाओ नहीं हैं, खड़े रहते हो तुम्हारे सामने कटोरी को नहीं देखभाल नहीं कर सकते अपना सामान। वो विग्रह को ऐसे साधारण नहीं देखते थे, साधक साक्षात देखते थे हैं। और तो इसमें कई कहानियाँ उनके, जब वृंदावन में वो पुरी में रहे, फिर जब भी वृंदावन आए, वृंदावन में सबसे ज़्यादा दिन उन्होंने बंशीवट के नीचे रहे। बंशीवट के नीचे उनके नाम ही बंशीदास था, और बंशीवट के नीचे उन्होंने 9 दिन रहे थे। जमुना के बीच में जाकर, जमुना की बालू, जमुना नदी के बीच में जाकर रहे, कोई एक जगह में नहीं रहते थे, और सब जगह में 3-3 दिन, इधर 3 दिन उधर 3 दिन, नंदगांव में 3 दिन, बरसाना में 3, पूरे ब्रज में ऐसे अलग अलग घूमते थे। और वृक्ष के कहीं भी वट वृक्ष देखते थे कहते बंशीवट है। ये क्या है, कोई भी वट वृक्ष देखने से इनको बंशीवट स्मरण होता था, कोई भी नदी देखने से इनको जमुना ही स्मरण होता था। किसी भी बच्चे को देखते थे, ग्वाल बालक ब्रज में देखते थे, हाँ गोपाल आ रहा है, सभी प्रत्येक वस्तु में इनको किसका स्मरण होता था, कृष्ण की स्मरण। प्राकृत वस्तु को देखकर भी इनको उस रूप में नहीं देखकर इनको कृष्ण के संबंधित देखते थे। जब भी एक बार उन्होंने नदी में जा रहे थे नाव में, एक सांप कैसे घूम घूम के आके उस नौका में बार बार चढ़ने के लिए प्रयास कर रहा था है। सब लोग डरते थे, लेकिन बाबा जी महाराज बोले अरे ये अनंत शेष आए हैं, अनंत शेष आ रहे, गोपाल तुझे दर्शन करने के लिए अनंत शेष आ रहे हैं। कोई और लेकिन एक बार जब पुरी में जाते थे उन्होंने, जाज महानदी में, जाजपुर रोड आज भी आता है महानदी की, वहाँ उत्तर मैंने बैतरणी नदी उधर, उन्होंने बाबा जी महाराज रात को वहीं कैंप लगाए, कैंप लगा के रात्रि में सोना, वहीं रेस्ट करना चाहे। उनके पास में 7-8 लोग चलते थे, गोड़ी मठ के 2-3 लोग थे और सो वहीं रहे। लेकिन अर्धरात्रि में एक हठात एक घटना हुआ, तो देखे कि एक साथ कम से कम 100 से ज़्यादा हैं स्त्रियाँ, अद्भुत स्त्रियाँ जो कि जिनके शरीर में चमक था, सो लागते नहीं थे कि मूर्ति लोग का है, लेकिन सभी वस्त्र सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। एक साथ में 100 से ज़्यादा स्त्रियाँ हैं, लड़कियाँ, पूरा नवजौवन संपन्ना दिखाई पड़ता, सब चल चल के आए और आ रहे थे। सो धूप पूरा ज्योत्सना की रात है, सब आए, बाबा जी महाराज जहाँ बैठे थे सब आकर बाबा जी महाराज को सागर प्रणाम किए हैं। कहाँ से आए क्या क्या कुछ को पता नहीं, सब लोग देख रहे थे आश्चर्यचकित होकर। अर्धरात्रि में आकर बाबा जी महाराज को सब प्रणाम किए, प्रणाम करके फिर सब घूम के फिर कुछ दूर तो गए, देखे वो जा रहे, लेकिन इसके बाद कहाँ गए किसको पता नहीं लगा। तो फिर सब लोग कहे कि ये तो स्वर्ग की देवी लोग शायद आए थे, किनको सम्मान करने के लिए, बाबा जी महाराज को। ऐसे ही कई अद्भुत उनके जीवन का कहानी के कारण इनके बारे में एक किताब लिखे हैं भक्ति विकास महाराज ने, बाबा जी महाराज ने बंशीदास बाबा जी महाराज पूरा कहानी, तो उसको जब पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हो जब आपको टाइम मिलेगा। और श्रावण महीने की 23वां दिन शुक्ल चतुर्थी के दिन, ये 1944 के जुलाई 23 तारीख को उन्होंने नित्यलला में प्रवेश कर गए थे। इन्होंने कहते थे कि यदि तुम साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तभी आप केवल साधना के ऊपर विश्वास मत करो, साधना के साथ साथ आपको क्या जरूरत है, वैष्णव की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा के बिना आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते।
और इनके मुख्य कोई शास्त्र तो मैंने न जानने पर भी ये कभी कभी बहुत सुंदर वैष्णव भजन को कोट करके सदा सिखा देते थे। लेकिन इसी प्रकार एक महान नित्य सिद्ध संत थे, तो इसलिए इनको आप प्रभुपाद जी ने और उनके गुरु महाराज भक्तिवान सरस्वती ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, यदि भी हमारे संप्रदाय के साथ भी जुड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी इनको सम्मान करते थे। ये बात्सल्य रस के भक्त थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहे कि इनका भी तिरुभाव आविर्भाव हम वैष्णव कैलेंडर के अनुसार पालन करना चाहिए, इनके भी तिरुभाव इसलिए पालन किया जाता है। और रघुनंदन ठाकुर के बारे में बोल रहा था कि रघुनंदन ठाकुर की जो कि मुकुंद दास के पुत्र थे, मुकुंद दास राजवैद्य थे। एक बार जिन्होंने ये गए थे राजा की का बुलाने पर उनके पास जो गए थे, वहाँ जाकर राजा को जब देख रहे थे, देखे कि राजा की साइड में एक पंखा झूल रहा था, एक मयूर के पंखा लेकर राजा को पंखा कर रहा था। ये मयूर पंखा को देखकर उनके कृष्ण स्मरण हुआ, किसके? मुकुंद दास की। यहाँ से बेटा को एक लड्डू बना, लड्डू खिलाओ गोपाल को, मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ देखे जो मयूर को पंखा देखे कि बादशाह को मयूर पंखा में हवा क्या जा रहा, मयूर पंखा को देखकर इनको कृष्ण के स्मरण आया। वहीं से ऊंचे आसन से नीचे गिर गए पूरा। वो राजा को क्या ठीक करेंगे, स्वयं गिर गए पर नीचे, और सब लोग भागे। बोली राजा बोले अरे वैद्य महाराज क्या हुआ, पकड़ो इन्हें, क्या हुआ, उठे। लेकिन राजा बड़े बुद्धिमान था, हुसैन साहब उसको समझ गए, मयूर पंख को देखकर इनको देखकर इनकी ऐसे स्थिति हुई। जो उठे तो बोले कि क्या हुआ वैद्य महाराज, कैसे गिर गए, क्यों हैं आप? तो नहीं है वो छुपा रहे, नहीं कुछ नहीं, मेरे को ऐसे बीमारी है कुछ, एक बात है, बात बीमारी, हिस्ट्रिया बीमारी है, हिस्ट्रिया होता कभी कभी मेरे से निकल जाता है सही। लेकिन बात सारे कहे कि ये नहीं है, हमको देखे हैं, हम पहचानते हैं आपको, हैं ये कभी भी ऐसे नहीं देखा आपको। ये मेरे जो जो सेवक जो मयूर के पंखा हिला रहा था, ये मयूर पंखा देखकर आपको कृष्ण की स्मरण हुई है। तो फिर इसलिए मुकुंद दास भी जो कि इनके पिताजी थे रघुनंदन की, ये भी महान भक्त थे। ये खंडग्राम में इनके परिवार में मुकुंद दास ने लोग रघुनंदन पूजा करते थे, ये पूजक थे, और उनके पिताजी वैद्य थे, वो इनकम करते थे, वो पैसा लाते थे घर चलाने के लिए, वो उन्होंने काम करते थे। कौन? और उनकी नरहरी, और एक नरहरी थे, नरहरी सबदास गौरांग महाप्रभु के साथ में कीर्तन में रहते थे, नरहरी आदि करी चामर बुलाया। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा एक दिन तीनों को बुलाया, नरहरी मुकुंद और रघुनंदन, तो कहे कि देखो तुम्हारे परिवार में आप तीनों लोग हो, लेकिन मैंने ये निर्देशन देता हूँ कि रघुनंदन मेरी भक्ति करता है, गोपीनाथ को पूजन करना और गोपीनाथ की सेवा पूजा करना, भजन करना, उसको आनंद आता है, आज उसको वही कार्य में लगने दो, उसको तुम धन कमाने में नहीं मत लगाओ। मुकुंद तुमने राजवैद्य हो, तुम पैसे कमाते हो, इसलिए तुम कार्य राजकार्य करके पैसा लेके आओ, और तुम्हारी पैसे जो इनकम लाओगे उसी में पूरे परिवार का मेंटेनेंस किया जाएगा। अरे नरहरी ये सदा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मुझे मेरा एसोसिएशन उसको अच्छा लगता है, तो इसलिए नरहरी को मेरे साथ में सदा कीर्तन में, संकीर्तन में, नवर कीर्तन में जाने में है, मेरे साथ में सदा रहने दीजिए। इसलिए महाप्रभु ने कहे कि किसी परिवार में, गृहस्थ परिवार में सभी लोग इस प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए, हैं ऐसा रहना संभव है? आजकल यदि कोई किसका हस्बैंड पैसा कमा रहा है तो उसका औरत क्या बोलेंगे, अरे मेरे पति कमा रहा, मैं क्यों सारा परिवार को क्यों चलाऊँ, चलो तुम सब हैं, वो उसको फुसला है कि हम अलग हो जाएंगे, अलग से हम रहेंगे, ये लोग कुछ करते नहीं, बेकार हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु के उपदेश को पालन करके ही ये परिवार बड़ा सुखी रहा। मुकुंद दास राजवैद्य काम करके धन ला के आते थे, और रघुनंदन सिर्फ क्या करते थे, गोपीनाथ की पूजा में लगे रहते थे, अपने घर के जो विग्रह, गोपीनाथ की सेवा पूजा करना, उनकी देखभाल करना, प्रसाद बनाना, प्रसन्न को भोग लगाना, इसका और कीर्तन भी कर जो समय याद मिलता था कीर्तन में रहते थे, कीर्तन करते थे। और नरहरी सरकार ये सदा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे, हैं ये बात चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। और इनके शिष्य थे कौन, जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखा, लोचनदास ठाकुर, इन्होंने चैतन्य मंगल एक ग्रंथ लिखा, तो उनके गुरु जी का आदेश लेकर, तो
इससे हमको शिक्षा मिलता है कि जो गृहस्थ जीवन में रहना है तो ईर्षा नहीं करना चाहिए। सभी लोग का जैसे ही जिसकी कैपेसिटी है ऐसे ही धन ऐसे ही सभी अपने अपने योग्यता को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल तो संसार में आस्ते आस्ते ये हो पाना संभव नहीं है, पैसा जो कमाने वाला उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। लेकिन पैसा कमाता थे मुकुंद दास, लेकिन ज़्यादा लोग किसको सम्मान देते थे? रघुनंदन को सम्मान देते, क्योंकि रघुनंदन महाप्रभु ने स्वयं कहा कि तुम बाप है कि ये बाप है, बाप कौन बेटा कौन, तो कहे कि रघुनंदन ही मेरा बाप है, मुकुंद ने कहे थे। महाप्रभु बड़े खुश हुए, क्यों? कहे कि जहाँ हुए थे कृष्ण भक्ति से ही गुरु है, ये जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सिद्धि जल प्राप्त किया है वही प्रकृति में गुरु है। तो इसी प्रकार जीवन का लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति में सफलता प्राप्त करना। भक्ति चाहे नवदा भक्ति में है, कोई भी एक अंग को भी हम जीवन में उतार लेंगे तो जीवन सफल हो जाता है। रघुनंदन ठाकुर कौन सा अंग को जब जीवन में निकला उतारा था नवदा भक्ति से? कौन सा अंग नवदा भक्ति कौन सा अंग उन्होंने जीवन में उतारा? अर्चन अंग, अर्चन करते थे। लेकिन ये वो घंटी हलाई कैसे अर्चन कर रहे थे ना क्या? हैं घंटी हलाई की खिलाए गोपीनाथ को, गोपीनाथ को उनके हाथ से को खाए, कैसे खाए? हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुत अपि लभ्यते लौल्यम अपि एकला मूल्यम कोटिजन सुकृति कोटिजन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। हैं भक्ति रस सिंध में कहते हैं, रूप गोस्वामी में कहते कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ऐसा यदि कोई राग भक्त है जो जिनकी मति में कृष्ण भक्ति बैठा हुआ है, जिन्होंने भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहते हैं, और जहाँ पर कोई कृष्ण भक्ति कहीं बेचा जा रहा है, बेचने के लिए क्या हमने खरीदने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए? श्रद्धा रूपी मूल होना, मूल्य देकर खरीद लेना चाहिए। कृष्ण लौल्यम एपि एकला मूल्यम, लौल्यम माने लालच होना चाहिए कि हम भी ऐसे जो रघुनंदन में खिलाए तो हम भी खिलाएंगे, भगवान को खिलाएंगे, ऐसे लालच होना चाहिए। लेकिन हमको इमिटेशन भी नहीं कर पाओगे, इमिटेशन करना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण को हम केवल राग मार्ग में किसी नित्य सिद्ध भक्त के मार्ग को अनुसरण करके ही इनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास होना चाहिए, प्रयास हो वो प्रसन्न होते हैं। गोपीजन व ब्रजवासी जन जो भक्ति करते थे उसको कहते थे रागात्मिका भक्ति, और रागात्मिका भक्ति को जो उनकी मार्ग को जो अनुसरण करता है उसको कहते हैं रागानुग भक्त। रागानुग भक्त ये भक्त को भक्त ही कृष्ण को प्रसन्न करता है, भगवान उसी की भक्ति स्वीकार, अर्थात जिसके देहात्म बुद्धि से जो रहित हो गया, जिसको स्वतः आकर्षण है किसमें? कृष्ण में। हमारा स्वतः आकर्षण किसमें है? स्वतः आकर्षण किसमें? स्वतः आकर्षण परिवार में, बार रिलेशन ये सब में, लेकिन भगवान को कभी कभी भक्ति कर लेते हैं। लेकिन कभी जिसको स्वतः आकर्षण कृष्ण में है, गोप मैंने तो प्रकृति में भगवान को प्रसन्न करता है, इसको कहते हैं स्वतः स्फुत आकर्षण, राग भक्ति, राग मार्ग। तो इसलिए ये विशेष रूप में रघुनंदन ठाकुर महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। कोई प्रश्न है? भागवत क्लास तो रह गया, प्रश्न है किसकी?